रहमान रहीम, आप देख रहे हैं जुबेर इकबाल यूट्यूब चैनल। मैं बात कर रहा हूँ आपसे जुबेर इकबाल। आज हम आपको दिखाएंगे पर्यटन लाहौर में एक न्यू घाट किस लोकेशन पे और किस तरह का बना हुआ है। ये देखें जी, ये घर है मुकम्मल। ये है उसका फ्रंट व्यू है। ये जी 10 मरले का घर है, शाहीन ब्लॉक पर्यटन लाहौर सेक्टर 2। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। ये टाइल का भी काम किया हुआ है और ये जो सारी मुकम्मल इम्पोर्टेड टाइल लगी हुई है और स्टिको कलर हुआ है, ये जो नया पेंट आया है। अब ये अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये इसका मेन गेट है, ये नीचे टाइल लगी हुई है। जैसे एंटर होते हैं, ये एंटर होते साथ ही मेन गैराज में ये राइट साइड पे ये पौधे लगे हुए हैं और फ्रंट पे भी ये इम्पोर्टेड टाइल है ये लगी हुई है। ये गैराज है, गैराज में सीलिंग हुई है। देखें ये साथ, देखो लेफ्ट साइड पे ये भी टाइल लगी हुई है और ये बैठने के लिए जगह बनी हुई है। ये वो इम्पोर्टेड टाइल है और ये वो स्टिको कलर है। अभी अंदर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये भी शीशे का काम है। ये मेन डोर है, अंदर चलते हैं। अभी अंदर से आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये टाइल लगी एंटर होते ही ये सामने एक आर्टिफिशियल ये पौधा है और लेफ्ट साइड में एंटर होते ही ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में भी नीचे टाइल लगी हुई है और ये सामने जो दीवार है, दीवारों पर भी टाइल है। ये टाइल है, ये वाल पेपर, ये वाल पेपर का काम है। ये लाइट है। ये जी, ये कोई लकड़ी टाइप का काम है। ये लकड़ी है कोई। और ये दरवाज़ा इस तरफ आए, ये बाहर से आता है और इस तरफ आके आप टीवी लाउंज में जा सकते हैं। इस दरवाजे से टीवी लाउंज में आके देखें, ये तो ये वॉलपेपर ही है। ये जो है ये टाइल का काम है और ये सामने LCD की है जो ना वो अलमारी बनी हुई है। ये टीवी लाउंज है, ये शीशा लगा हुआ, ये पंखा, ये झूमर है, फानूस, ये इसकी सीलिंग का काम है। उसके सामने जाए तो ये आगे नीचे दो बेड है, ये बेड सामने आ जाता है। ये बेडरूम है इसका, ये डोर है, ये सारा वॉलपेपर ये लकड़ी का बना हुआ है। ये अलमारियाँ बनी हुई हैं, ये अलमारी के सामने, ये अलमारी, ये नीचे टाइल लगी हुई है, ये पर्दे हैं। इसके बाद आगे आपको वॉशरूम दिखाते हैं। ये शावर है, ये सीलिंग हुई है वॉशरूम के साथ। अभी साथ वाला रूम आपको दिखाते हैं। ये भी बेडरूम है नीचे, ये देखें, ये सारा वही सेम टाइल है जो दूसरे रूम में थी। ये वही सेम लकड़ी की अलमारी बनी हुई है और ये सीलिंग, इस रूम में सीलिंग का डिज़ाइन ये है। अभी आपको इस रूम का वॉशरूम दिखाता हूँ। ये वॉशरूम इसमें ये जकोजी भी है टप, ये बेसन है, ये कॉर्ड है, सीट है, ये भी टाइल लगी हुई है सारी। ये सीलिंग है और सीलिंग में ये देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा ये शीशा टाइप लगा हुआ है। सारा मुकम्मल टाइल लगी है। वापस हम टीवी लाउंज में आ गए। टीवी लाउंज से साथ ही लेफ्ट साइड पे ये भी किचन है, किचन आपको दिखाते हैं।
ये किचन का दरवाज़ा है और किचन में एंटर। ये देखें ये किचन है, ये मुकम्मल जो है ना ये तैयार है। इसके शेल्फें बॉक्स वगैरह बने हुए हैं, ये ओवन, ये चूल्हा, ये सिंक है, ये टाइल लगी मुकम्मल सेम एक ही कलर की टाइल नीचे की, और ये इसकी छत की सीलिंग है। अभी आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाते हैं। यदि यहाँ से आएंगे तो ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, सीढ़ियों का आपको टाइल दिखा रहे हैं। इधर ये भी मुकम्मल में वाल पेपर है, ये भी सीढ़ियों से ऊपर से ऊपर में जाएंगे। ये सीढ़ियों ऊपर आप ये फनूस लगा हुआ है जो एंट्रेंस है सेकंड रूम फ्लोर की। ये जी दरवाज़ा आके फिर ये लाइटें ऑन कर लो। एंटर होते ही ये बेडरूम है, जो नीचे ड्राइंग रूम था उसके ऊपर बिल्कुल ये बेडरूम, इसकी लाइट ऑन। वही लकड़ी की अलमारी है, ये फोम की एक चीज़ है, ये देख ये भी वॉलपेपर है। नीचे वो एक टाइल है जो नीचे टाइल लगी हुई थी। ये पर्दे हैं, ये सीलिंग है, इस रूम का ये डिज़ाइन है। अभी वॉशरूम दिखाते हैं, ये इसका डिज़ाइन और है। ये सामने शीशा लगा हुआ है, ये टाइल लगी है, ये शावर है, ये कमोड है इसका, इसका ये सीलिंग का डिज़ाइन है। अभी आके दिखाते हैं आपको, नीचे दो बेडरूम थे, एक टीवी लॉन्ज था, एक किचन था, एक ड्राइंग रूम था, ऊपर तीन बेडरूम है। अभी ये इस बेडरूम से निकले से ये आगे टीवी लॉन्ज आता है। इसका सीलिंग का डिज़ाइन इस तरह का, टाइल सेम है जिस तरह नीचे लगी थी। इधर ये एलसीडी लगाने के लिए है, और उसके बाद ये सामने एक बेडरूम है, ये देख सकते हैं, ये बेडरूम है, ये बेडरूम टाइल वही सेम है। इसकी ये इधर एलसीडी के लिए जगह बनी हुई है, ये देखें ये फैंसी काम है। वो ये दो विंडो ऊपर, एक किस कोने में विंडो है, एक किस कोने में विंडो है। पढ़ते हैं ये अलमारी है लकड़ी की, ये किचन सॉरी वॉशरूम है, वॉशरूम ये सब सामने जाए तो ये बेसन है, एक कमोड है, और इसका ये शावर एरिया सेपरेट किया हुआ, ये शावर अभी मुकम्मल टाइल का काम है। ऊपर ये सीलिंग है, दो बेडरूम, अभी आपको तीसरा बेडरूम दिखाते हैं। ये तीसरा बेडरूम है, ये इसकी डाउन कॉर्नर, ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन है, वही सेम टाइलें लगी हुई हैं। ये एलसीडी के लिए भी इसका वाशरूम आपको दिखाता हूँ, ये इसका वाशरूम है, ये बेसन है, एक मोड एरिया, ये शावर एरिया, इसका ये शावर, तीन बेडरूम हो गए हैं। अभी इसका ये तीसरा इसका किचन है जो ऊपर है, ये जी अलमारियाँ बनी हुई रैक, ये सीलिंग सेम नीचे वाला किचन जैसी है। इसकी ये भी लेते हैं, ये भी ऑन कर कर, ये पंखा चल गया, इसकी ये और लाइटें, ये लाइटें इसकी ये चल गई, ये दो, ये सिंक है, ये अलमारी किचन। ऐसे ही बाकी सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी,
ये ऊपर मकड़ी है छत है, उसका दरवाजा बंद, ऊपर से भी आपको दिखाई देते हैं। ये सर्वेंट रूम बना हुआ है, ये भी सेम वही टाइल लगी है जो नीचे लगी हुई है। ये सर्वेंट रूम का वॉशरूम है, छत भी दिखाते हैं आपको। ये छत है जी, छत के ऊपर भी मार्बल लगा हुआ है। तो सामने आपको जी सफारी विलाज नजर आ रहा है, बिल्कुल साथ है ये। और ये रोड है वो उमर ब्लॉक की तरफ जा रहा है, उमर कमर्शियल की तरफ। और ये जो रोड है ये सीधा डी प्लाजा की तरफ जा रहा है। आपको टेरेस से दिखाते हैं, ये टेरेस है, ये टेरेस, ये सीढ़ियाँ हैं, तीन स्टेप हैं सीढ़ियों के। ये थे जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद होएगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।